तो हाल ही में दोस्तों जियो ने अपने दो नए फोन लॉन्च करे हैं, जियो भारत V3 एंड जियो भारत V4। और गाइस वो दो नए फोन हमारे हाथ में आ चुके हैं, ये रहे। और ये दोस्तों जिस प्राइस में आते हैं और जैसे फीचर हमको इस फीचर फोन में देखने को मिलते हैं, वैसे मेरे ख्याल से दूसरे फीचर फोन में शायद से देखने को मिलते होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो गाइस इनकी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाई जाए। वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक कर देना। और हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जियो भारत V3 की अनबॉक्सिंग करेंगे। इसको गाइस साइड में रखेंगे क्योंकि इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी अनबॉक्सिंग वाली, इसी के बाद ही आएगी, लेट नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? क्योंकि गाइस एक वीडियो में दोनों की अनबॉक्सिंग करना मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि एक वीडियो में दोस्तों सही से हम लोग इस फोन को देखेंगे और उसके बाद V4 को देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई बताना, ठीक है? ना लगे तो भी बता देना। अब चलिए दोस्तों फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, जियो भारत V3 फोन की। सबसे पहले गाइस मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर गाइस आप लोग ये फोन का जो बॉक्स देख रहे हो इसके ऊपर दोस्तों ये पॉलिथीन लगी हुई है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ से ओपन है। ओपन क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये दोनों फोन में लेकर आया हूँ मेरे दोस्त की मोबाइल की शॉप से। ये तो पूरा का पूरा मतलब की पैक है, लेकिन गाइस ये शायद उसने कस्टमर को दिखाया होगा इसलिए यहाँ से ओपन है, ठीक है? लेकिन गाइस कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे भाई कैसा फोन है ये और प्राइस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्राइस सुन के गाइस आपको इस फोन को लेने का जो मन है वो कर जाएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो फोन है वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में भी आ चुके हैं, जहाँ से आप लोग इन्हें परचेस कर सकते। अब चलिए दोस्तों फटाफट इसके बारे में जानते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है MRP 1999, लेकिन गाइस इतनी MRP नहीं है, ठीक है? बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या मिलेगा वो साफ साफ लिखा हुआ है कि एक हेडसेट मिलेगा, एक अडेप्टर मिलेगा, एक बैटरी मिलेगी और एक QSG मतलब की जो यूजर मैनुअल होता है वही होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है जियो भारत V3 4G फोन है। फीचर फोन है, कीपैड वाला फोन है, लेकिन 4G फोन है। वैसे आपको पता होगा क्योंकि जियो के काफी फोन आ चुके हैं वो 4G ही थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैक साइड में मतलब देखो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है कि क्या मिलता है इस फोन के अंदर, जैसे कि जियो सर्विस इसमें क्या क्या मिलता है। तो एंजॉय वीडियो विद जियो सिनेमा, UPI पेमेंट मेड इजी विथ जियो पे, पेमेंट भी कर पाएंगे, शेयर योर मेमोरीज विथ जियो फोटो, फिर उसके बाद जियो सावन गाना सुनने के लिए, जियो लाइव न्यूज TV शो देखने के लिए जियो TV मिल जाएगा, चैट अनलिमिटेड ऑन जियो चैट। उसके बाद दोस्तों जियो भारत फीचर्स एंड स्पेक्स, तो साफ साफ सारी चीजें बताई गई है कि क्या क्या इसके अंदर मिलेगा। तो HD वॉइस कॉलिंग, 4G इंटरनेट ब्राउजिंग, 4.5 cm मतलब 1.77 इंच की QVGA TFT स्क्रीन हमें देखने को मिलती है। उसके बाद 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा इसके अंदर दिया गया है, लाउड स्पीकर भी है, 1000 mAh की बैटरी है दोस्तों इसके अंदर, 23 इंडियन लैंग्वेज को इसे सपोर्ट करता है और वायरलेस FM रेडियो भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। तो चलो फटाफट ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ईयर रिप्लेसमेंट, इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन होगा वो देखना पड़ेगा। तो चलो ओपन करते हैं गाइस इस फोन को, सॉरी बॉक्स को। तो यहाँ से इसको निकालेंगे, ऐसे कुछ ओपन होता है गाइस, नॉर्मल मतलब कि अनबॉक्सिंग वाली चीज है ये, क्योंकि जिस प्राइस में आता है तो कॉस्ट कटिंग बनती है। तो यहाँ से गाइस इसको बाहर खींचेंगे और यहाँ पर गाइस इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक जादुई पूड़िया भी हमको देखने को मिलती है, सिलिकॉन जेल। भाई किसी फोन में मैंने नहीं देखा, लेकिन इस फोन के साथ भाई हमें सिलिका जेल फर्स्ट टाइम देखने को मिली। इसी बात पे गाइस जियो के लिए एक लाइक बनता है, लाइक कर दो फटाफट। तो मॉइस्चर को वाई कंज्यूम करने के लिए मॉइस्चर जो भी होता है। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले हमारा फोन हमें देखने को मिलता है, लेकिन वो नहीं देखेंगे, फोन के नीचे हमें गाइस क्या क्या चीजें देखने को मिलती है वो सबसे पहले देखेंगे। तो फोन को रखते हैं अभी यहाँ पर, आप लोग देख ही रहो वैसे फोन को। तो एक तो ये यूजर मैनुअल, लव विद जियो फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है, विथ लव फ्रॉम जियो, और यहाँ पर दोस्तों सारी चीजें बताई गई है, जो पढ़ना चाहते वो पढ़ सकता है, मेरे जैसा गाइस इसको रखेगा अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें चार्जर भी देखने को मिलता है, जो कि एक गाइस एक नॉर्मल चार्जर है आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर ये वाला माइक्रो USB चार्जर हमें देखने को मिलता है, टाइप सी इसके अंदर नहीं आता है, लेकिन ये भी अच्छी बात है क्योंकि पहले के फोन में गाइस गोल वाली जो पिन आती थी वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ ऐसा चार्जर है मेरे ख्याल से 10 वोल्ट का होगा या फिर 5 वोल्ट का होगा, ठीक है? चलो कोई नहीं गाइस, कुछ ऐसा चार्जर हमें मिलता है और चार्जर को बांधने के लिए थोड़ी सी वायर, और उसके बाद दोस्तों नीचे से कुछ नहीं है आप लोग देखो, लेकिन यहाँ पर है गाइस सबसे मस्त चीज, ये वाला फोन और इसका डिजाइन भाई कितना यूनिक है, आप लोग देखो मस्त डिजाइन है। तो अभी गाइस फोन को आप लोग देखो फोन कैसा है, और यहाँ पर एक चीज रहेगी गाइस, बैटरी रिमूवेबल बैटरी हमें देखने को मिलती है, कितने एमएच की है यहाँ पर लिखा होगा 1000 mAh की बैटरी है, जैसे मैंने आपको आगे बता दिया। लेकिन फोन की जो डिजाइन है गाइस उसकी बात करें तो फोन की डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक है, काफी ज्यादा मस्त दिखने में। बैक साइड में दोस्तों यहाँ पर हमें ग्लास जैसी फिनिशिंग देखने को मिलती है, रिफ्लेक्ट करता है आप लोग देखो, कैमरा भी दिया गया है 0.3 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर लिखा हुआ है जियो 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 1000 साल, और यहाँ पर लिखा है जियो भारत
ब्रांडिंग और यहाँ पर एक पॉलिसी भी लगी हुई है जो कि निकालेंगे नहीं क्योंकि फोन को अभी अपने दोस्त को रिटर्न करना है, हम लोगों ने परचेस नहीं करा है। और यहाँ पर है दोस्तों LED लाइट टॉर्च मतलब देखने को मिल जाती है। नीचे की साइड में दोस्तों 3.5 mm ऑडियो जैक और यहाँ पर माइक दिया गया और एक चार्जिंग पोर्ट हमें देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया चीज है भाई। और यहाँ पर दोस्तों बटन भी कितने ज्यादा मस्त लग रहे हैं इस डिजाइन में, तो खतरनाक लग रहे हैं। तो चलो गाइस फटाफट फोन को हम ओपन करते मतलब ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ से इसको निकालेंगे बैटरी को बाहर, कुछ ऐसी बैटरी दोस्तों नोकिया में जो आती थी वैसी याद दिला दी गई इस बैटरी ने तो हमें। और यहाँ से फोन को ओपन करना पड़ता है। ओके तो अंदर से भाई अंजर पंजर आप लोग देखो कुछ ऐसा है। यहाँ पर सिम कार्ड भी लग जाता है, एक सिम कार्ड लगेगा जियो का 4G। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है ये मेमोरी कार्ड स्लॉट है, सॉरी भूल गया था मैं, यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं 128 GB तक, इसे भाई बढ़ा सकते हैं 128 GB तक भी मेमोरी कार्ड इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पर सिम कार्ड हम लोग लगा सकते हैं, सिंगल सिम कार्ड लगेगा बस। ओके कोई बात नहीं। और यहाँ पर इस बैटरी को डालते हैं अंदर भाई, ऐसे उल्टी लगेगी, हाँ भाई ऐसे ही लगेगी। और यहाँ पर इसमें भी बैटरी में भी जियो की ब्रांडिंग। और यहाँ पर ढक्कन वक्कन करते हैं बंद और यहाँ से भाई फोन को करते हैं फटाफट बूट। ओके भाई देखो जियो भारत, ओके कुछ ऐसा फोन हमें देखने को मिलता है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। यहाँ पर गाइस टाइम कितना हो रहा है वो दिख रहा है। ओके ओके एक ही सिम कार्ड लगता है जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर गाइस मेनू में जाते हैं, मेनू में गाइस देखो यहाँ पर कॉल के लिए, फिर यहाँ पर कॉन्टेक्ट, यहाँ पर गाइस हमको जियो सावन मिलता है, जियो सिनेमा मिलता है, उसके बाद यहाँ पर फाइल मैनेजर है। ओके इसके नीचे भी और ऑप्शन है जैसे कि गाइस देखो यहाँ पर ये ब्राउजर है इंटरनेट के लिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है जियो पे, पेमेंट करनी हो तो देखो ये ओपन हो रहा है जियो पे। बाहर जाते हैं भाई, हमको नहीं देखना जियो पे। यहाँ पर सेटिंग और यहाँ पर कैमरा ही रहा गाइस, देखो कैमरा को ओपन करते हैं और कैसी फोटो आती है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ अभी। गाइस इसने फोटो तो ले ली शायद भाई, देखो 0.3 megapixel के साथ ऐसी फोटो कुछ इसने खींची है जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे रात के अंधेरे में। वैसे हम लोग फ्लैश लाइट लगा के बैठे हुए मतलब तो अपने रिंग लाइट लगा के बैठे हैं, फिर भी गाइस कुछ ऐसी फोटो इसने हमको खींच के दी है 0.3 megapixel कैमरा के साथ जो कि बढ़िया है गाइस। 0.3 megapixel दोस्तों कोई बड़ा कैमरा नहीं मतलब कि होता नहीं है मेगापिक्सल फोन में दोस्तों, अभी 200 megapixel तक आने लगे हैं, ये तो 0.1 megapixel भी पूरा नहीं है, फिर भी ऐसी फोटो गाइस इसने खींची है। मस्त फोटो आई है, ऐसा नहीं खराब हुई है, मस्त फोटो आई है, लेकिन लाइटिंग बराबर होनी चाहिए तब जाके फोटो ये लेगा अच्छी सी। देख रहे हो आप लोग कितनी मस्त फोटो आई है। और यहाँ पर गाइज अभी क्या चीजें इसके बारे में देखने के लिए, तो यहाँ पर तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा फोन है और कुछ ऐसे फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं इस फोन के अंदर। और अभी बात करें दोस्तों इस फोन की प्राइस की, तो गाइस ये जिस प्राइस में आता है वो काफी ज्यादा कमाल की है। और प्राइस है दोस्तों इस जियो भारत V3 की 1099 मतलब कि 1100 रुपये समझ लो आप लोग, ठीक है 1100 रुपये समझ लो, नहीं 1100 रुपये ही हुए क्योंकि एक ही रुपया कम है। तो चलो गाइस अनबॉक्सिंग वीडियो एंड करते हैं, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और अगर इसकी लिंक मिलती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो ऑनलाइन बाय करना चाहो तो कर सको। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।